A telescope has an objective of 1 meter and an eyepiece of 20 centimeter focal length. Objective की focal length हमें दी हुई है FO equals to 1 meter यानी कि 100 centimeter और eyepiece की focal length हमें दे रखी है 20 centimeter. The final image of sun having diameter 10 centimeter. So diameter of the sun image diameter of the image the final image of sun having diameter 10 centimeter is formed at 24 centimeter from eyepiece jo eyepiece hai isse 24 centimeter distance par sun ki image banti hai jiska jo diameter hai wo given hai hame 10 centimeter find the angle subtended by the sun on the objective aur jo objective hai ऑब्जेक्टिव पर सन जो है वो कितना एंगल बना रहा है वो हमें फाइंड करना है. जैसे अगर सन है ये तो ये जो एंगल बनाएगा अल्फा वो हमें फाइंड करना है. तो बच्चों कैसे इस क्वेश्चन को हम डील करें. सबसे पहली बात यहाँ पर जो फाइनल इमेज बन रही है सन की उसका डायमीटर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर उसकी डिस्टेंस जो है वो 24 सेंटीमीटर. तो पहली बात तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर नहीं बन रही है. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दी हुई है 24 सेंटीमीटर. जैसे हम नियर पॉइंट की बात करते हैं ना कि नियर पॉइंट पर यानी कि 25 सेंटीमीटर पर जब इमेज बनती है तो उसकी जगह हमें डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर दी हुई है. तो हमें इसको नियर पॉइंट वाले केस से डील करना होगा. जैसे अगर हम मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करें एम डी जिसको हम कहते हैं तो वो होता है हमारे पास अगर मैं बिना माइनस के लिखूँ तो एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू वन प्लस एफ बाई डी. सॉल्व करें इसको. एफ ओ की वैल्यू है हमारे पास 100 सेंटीमीटर तो 100 अपॉन 20 इंटू वन प्लस एफ ई की वैल्यू 20 और डी की वैल्यू यहाँ पर डी ये डिस्टेंस लेनी होगी हमें 24. तो अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 55 अपॉन 6. तो ये तो मैग्नीफाइंग पावर आ गई. अब ये मैग्नीफाइंग पावर जो होती है बच्चों ये क्या होती क्या है. ये होती है बीटा अपॉन अल्फा. जहाँ पर बीटा तो होता है वो एंगल जो फाइनल इमेज ने बनाया होता है आईपीस पर और अल्फा होता है वो एंगल जो कि ऑब्जेक्ट ने बनाया होता है ऑब्जेक्टिव पर. तो बीटा अपॉन अल्फा दिस इज 55 अपॉन 6 और हमें फाइंड करना है अल्फा की वैल्यू. अल्फा क्या है ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव पर एंगल बना रहा है वो अल्फा हमें कैलकुलेट करना है. तो अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करें सो इट विल बी 6 बीटा अपॉन 55. अब बीटा क्या है यहाँ पर. बीटा है वो एंगल जो फाइनल इमेज बनाती है आँख पर या आईपीस पर. ये एंगल बीटा है. तो इस बीटा को हम छोटा मानकर ऑलमोस्ट 10 बीटा कह सकते हैं और इसको इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इट विल बी 6 अपॉन 55 और बीटा की वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 10 अपॉन 24. सो इट इज़ 10 अपॉन 24. इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन 22 आ जाएगा. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 0.04 रेडियन ये हमारा आंसर हो जाएगा.